भैया बीजेपी का कुछ है ही नहीं दिल्ली के अंदर, क्या है वो रिंकिया के पापा क्या करेंगे, रिंकिया के पापा यार उन्हें कुछ ये ही नहीं पता, अभी मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा। अरे पूरे इलाके की सभी औरतें, छोटे बच्चे भी, जेंट्स भी, लेडीज भी, सभी केजरीवाल के कामों से बहुत ही ज्यादा खुश है। अरे भाई वो गाना अच्छा गाते हैं, उन्हें गाना गाने दो, भेजो जहाँ से वो आए, उनके बस की कुछ नहीं है वहाँ दिल्ली में। केजरीवाल जो वादा किया उसको करके दिखाया, हमें तो सबसे भारी बात ये है। अच्छा, कि जो कहा कि पानी बिजली का वो इन्होंने पूरा किया। हरियाणा सरकार है उसका, तीनों के तीनों नीचे से ऊपर तक तीनों हैं। अगर उन्होंने करना था, बीजेपी सरकार ने करना था, पांच गुना कम करना था तो वहाँ कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। दोस्तों इस वक्त दिल्ली में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अपनी अपनी पार्टियां अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट चुकी हैं। ऐसे में हम आपको लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोगों से रूबरू करवा रहे हैं कि दिल्ली में किसका माहौल चल रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 5 साल काम किए हैं और लगातार दावे करते आ रहे हैं, क्या उनकी दावों के आधार पर दिल्ली में दोबारा से वो सरकार बना पाएंगे, ये जानने के लिए हम आपको आइए मिलवाते हैं दिल्ली के आम नागरिक से। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारा पूनिया। आपको क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने काम किया और लगातार दावा कर रहे हैं, तो आपको काम के आधार पर लग रहा है कि दोबारा से केजरीवाल सरकार बना लेंगे? हाँ, दोबारा से केजरीवाल सरकार बनाएंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, मोहल्ला कलनी खोल रखा है और हॉस्पिटलों में बहुत सुविधा दे रखी है, पानी का, बिजली का, बिजली 200% यूनिट फ्री कर रखी है, तो केजरीवाल आएगा। अभी जैसे दिल्ली में MCD के अंदर बीजेपी की मतलब शासन है, तो उसका काम कैसा लग रहा है? बीजेपी का जो MCD में काम अच्छा लग रहा है आपको, या जो ये केजरीवाल काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर वो अच्छा लग रहा है? केजरीवाल जो काम कर रहा है वो अच्छा लग रहा है। आपकी तरफ से विधायक कौन है? मेरी तरफ से विधायक पहले संदीप कुमार जी थे, अब आने वाले में मुकेश अहलावत होगा। तो आपको जैसे ये आप ये बताइए, जो आप लोकल कैंडिडेट देख के वोट करती हैं या आप सीधे केजरीवाल को देखती हैं, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो? केजरीवाल को। केजरीवाल के नाम पे कोई भी आएगा जीत जाएगा? हाँ, केजरीवाल के नाम पे कोई भी आएगा वही जीत जाएगा। सर आप बताइए। केजरीवाल भाई बहुत काम कर रहा है, एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजली, पानी, बस फ्री, तो वही आना है, केजरीवाल ही आएगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे बीजेपी जो है वो मतलब कहती है नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाती है, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगती है, आपको लगता है नरेंद्र मोदी का चेहरा दिल्ली में काम कर जाएगा? नहीं नहीं, ओनली केजरीवाल ही, और ये विधायकों को वोट नहीं मिलेंगे, जो भी वोट पड़ेंगे दिल्ली इलेक्शन में वो सिर्फ केजरीवाल के नाम पर ही वोट पड़ेगा। विधायकों का चेहरा देख के कोई वोट डालने वाला नहीं है यहाँ, सिर्फ केजरीवाल को देख के ही सारा वोट डाला जाएगा। केजरीवाल के मतलब कामों से लोग खुश हैं? काफ़ी काम जो किए उसने, सारे काम बढ़िया किए हैं, खुश है, पब्लिक खुश है उससे। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया बीजेपी का कुछ है ही नहीं दिल्ली के अंदर, क्या है वो रिंकिया के पापा क्या करेंगे, रिंकिया के पापा यार उन्हें कुछ ये ही नहीं पता, अभी मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो वो वहाँ पर कह रहे थे कि उन्होंने पूछा गया कि भाई तुम दिल्ली के लिए क्या करोगे क्या करोगे, कह रहा मुझे नहीं पता, मेरी पार्टी को पता है। अरे तुम्हें जब पता ही नहीं दिल्ली में करना क्या है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो तुम्हें लाएगा कौन दिल्ली के लोग? तो ये भी सोच रहे हैं कि बीजेपी का अगर यहाँ पर कुछ मुद्दा बनता है तो उसके CM कैंडिडेट जो होंगे वो मनोज तिवारी होंगे। अरे भाई वो गाना अच्छा गाते हैं, उन्हें गाना गाने दो, भेजो जहाँ से वो आए, उनके बस की कुछ नहीं है वहाँ दिल्ली में। केजरीवाल पढ़ा लिखा बंदा दिल्ली में केजरीवाल है, और वो काम अच्छे कर रहा है और वही काम बढ़िया करेगा भाई, और कोई उसके टक्कर का है ही नहीं। मतलब 5 साल उन्होंने जैसे काम किया उस काम को देख के लग रहा है कि उनके टक्कर कोई नहीं है। 70 की 70 सीट आएंगी इस बार, पिछली बार 3 कम थी, इस बार पूरी 70 आएंगी, पूरी 70 आएंगी भाई साहब, बहुत बढ़िया काम कर रहा है दिल्ली में केजरीवाल। सर आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगत राम है, मैं योग टीचर हूँ बाबा रामदेव का, और बीजेपी के अंदर था मैं, और इनके कामों को देखते हुए, केजरीवाल के कामों को देखते हुए मुझे भी आम पार्टी के अंदर जुड़ने का मौका मिला है। अच्छा। और मुझे अच्छा लग रहा है इसके अंदर, क्यों अच्छा लग रहा है, इसका कारण क्या है कि वो करते कुछ है, हरियाणा सरकार है उसका, तीनों के तीनों नीचे से ऊपर तक तीनों हैं। अगर उन्होंने करना था, बीजेपी सरकार ने करना था, 5 गुना कम करना था तो वहाँ कर दे। हाँ भाई करना है तो है, वहाँ करके दिखाएं, हरियाणा के अंदर करके दिखाएं, मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि पहले वो करके दिखाएं जहाँ पर हैं उसके बाद फिर यहाँ पर उनका। इनके जो वादे हैं वो सिर्फ फोके हैं, करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ इन्होंने सिर्फ क्या है कि राजनीति खेलनी है, राजनीति अब हर आदमी जान चुका है राजनीति चीज़ क्या है, और जो करता है उसी के साथ पब्लिक जाती है। केजरीवाल सारा काम कर रहा है, हॉस्पिटल, सरकारी दफ्तर, और आपके
वे पढ़ाई का काम, अच्छा जी बिजली पानी, और इसके अलावा क्या है कि बसों के अंदर सिर्फ एक चीज़ उन्होंने थोड़ा सा भी एक काम थोड़ा गलत कर दिया, क्या कि जो नीचे वाले हैं, रिक्शे हैं, ऑटो हैं, इनके लिए थोड़ा वो जो सवारी है ना वो कम बैठ, रोजगार कम हो गया, कम रोजगार हो गया है। तो मेरा कहना है कि वो वैसे ना करके उनके अकाउंट के अंदर 500 या 1000 रुपये पर मंथ डाल दे तो वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, बाकी अपनी अपनी समझ है। अच्छा, इसके लिए मैं धन्यवाद आपका। अच्छा, ये जो स्कूल वगैरह है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि ये जो स्कूल है 2-4 स्कूल बनवा दिए हैं उसी को पोस्टर में लगा के प्रचार कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं नहीं नहीं, हर स्कूल आप देखिए जरा, अपने यहाँ जयविलो का स्कूल है, MCD स्कूल है और बहुत सारे स्कूल है। आपके अपने विधानसभा का स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है? वो बदले हैं, पहले हुआ है, पहले से काफी बहुत फर्क है, मतलब कि पहले पढ़ाई भी नहीं होती थी, अब स्कूल की जब हालत थी ना इतना कूड़ा था बेहिसाब, अब देख के आइए, देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जब प्राइवेट स्कूल हो, और पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है हर प्रकार से, मतलब लग रहा है कहीं ना कहीं चेंजेज आ रहे हैं। चेंजिंग नहीं, बहुत इस तरीके से पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री पिछली बार दिल्ली वाले चुने थे तो उसका मतलब देखने को इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उससे बहुत अच्छा लग रहा है, पब्लिक बहुत संतुष्ट है, और 70 की 70 सीटें आएंगी, ऐसा कोई दो राय नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मोदी देश के लिए अच्छा कर रहा है और दिल्ली के लिए ये बहुत अच्छा कर रहा है। दिल्ली में 15 साल मतलब कि कांग्रेस का शासन था, इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति है दिल्ली में? जीरो, मतलब कांग्रेस मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ का कोई कांग्रेस के अंदर कोई मेन आदमी है ही नहीं है, वो जो अध्यक्ष बने थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो बार बार लौट लौट के आ रहे, घर के अंदर घुस जाते फिर वापिस आ जाते, ऐसा थोड़ा होती है राजनीति कि मैं नहीं बनूंगा, माँ कहेगी बन जा बेटे, नहीं बनूंगा, ऐसे नहीं चलती राजनीति। फिलहाल दिल्ली में केजरीवाल ही हैं, ओनली टक्कर का कोई नहीं, ओनली केजरीवाल, काम करने के लिए केजरीवाल और दिल्ली के लिए केजरीवाल, लगातार यही काम करता रहेगा, केजरीवाल परमानेंट बना रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली माहौल चल रहा है क्या लग रहा है? माहौल के हिसाब से हमारे मजदूर आदमी हैं, लेकिन जो केजरीवाल ने किया है वो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, जो ये क्योंकि पहले तो लोग भाषण दे जाते थे ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसके बाद में किया नहीं, और आज जो इन्होंने कहा है वो जितना कहा है उतना किया है। आपको लगता है ये झूठे वादे नहीं करते? नहीं नहीं, झूठे वादे नहीं हैं, झूठे वादे नहीं बेटे, ये बात तो है, और फिर इनके काम से औरों के काम से जमी आसमान का फर्क है। हमने देखा कि ठीक है दीवाले हैं, स्कूलें हैं, तोड़वा करके साधन तो बनवा दिए, चाहे वो अपना जेब भरने के लिए चाहे वो कमाई के लिए, लेकिन गरीब के हित के लिए नहीं किया कि राशन है, पानी है, तेल है, गैस है, जहाँ देखो वहीं गुंडेगर्दी थी, वहीं बिलेगबाजी थी, समझे? लेकिन इस समय जो है जिस तरीके से चल रहा है ऐसा कभी नहीं चला। मतलब आपको लगता है कि आप इतने तजुर्बेकार हैं, आपने कई सरकार को देखा, कांग्रेस को भी देखा होगा, बीजेपी को भी देखा होगा, और इनके 5 साल ये पहली बार पार्टी आई है, तो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव होने के लिए? तो ये पहली बार आई है दिल्ली के लिए, तो पहली बार है ऐसी सरकार, आप अपने अभी तक पहली बार देखे हैं जो वादे किए और पूरे किए? पूरे किए। आपको लगता है ऐसे बाकी भी सरकारों को ऐसे मतलब बनना चाहिए? ऐसा नहीं, कह तो कुछ जाते थे लेकिन करते कुछ थे, समझो, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो किया है। तो इस बार भी दोबारा से वो आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। आपकी तरफ का विधायक कौन है? हमारी तरफ का तो बेटे वो राखी बिरला थी, अब कौन बनता है ये नहीं पता। तो राखी बिरला तो दिल्ली में विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो आपकी तरफ काम उन्होंने किया है? नहीं किया है, ऐसी बात नहीं, किया है, किया है और कर भी रहे, जितना कहा है कि ये काम होना है उस काम को वो कर रहे हैं। फालतू नहीं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा उसके बाद फिर नहीं हुआ, नहीं, जितना उन्होंने बताया है उतना वो हो रहा है। तो फिलहाल दिल्ली में केजरीवाल की मतलब जरूर आएगी? अच्छा, हाँ जरूर आएगी, मेहनत इसे ऐसी करी है कि वो आएंगे जरूर, नहीं तो नाम ही नहीं कोई जानता था। हाँ। तो अंदर की उनकी भावना थी कि देश की सेवा करना, ये करूंगा, तो एक बार की हावी हो गए, जीत गए, तो मेहनत तो जरूर लाएगी ऐसी बात। पहली बार तो लोग वादे करके आते हैं। हाँ। लेकिन उन्हें पहली बार वादे किया, दूसरी बार उन्होंने अब जो अब तो वादे चलेगा नहीं, अब जैसा उन्होंने जो वादा किया उसको करके दिखाया, हमें तो सबसे भारी बात ये है। अच्छा, कि जो कहा कि पानी बिजली का वो इन्होंने पूरा किया, जो इन्होंने कहा वो काम किया, इस वजह से दोबारा से इनको वोट पड़ेगा। अच्छा, उसको उन्होंने पूरा किया तो ईश्वर उनकी भी इच्छा को पूरा करेगा। अच्छा सर, क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहली बार उन्होंने वादा किया था, तो इस बार क्या वो जो वादे पूरे कर पाए हैं दोबारा से, उसकी वजह से आज आ पाएंगे सत्ता में?
हो सकता अभी सकते हैं। अच्छा, क्योंकि कुछ तो करे हैं, फ्री बिजली कर रखे हैं, सब कुछ कर ही रखे हैं, इसके वजह से हो सकता है पब्लिक थोड़ा चांस दे। नहीं, जैसे कई बार हमने अभी यहाँ पर कई लोगों से बात किया, उन्होंने बोला कि इन्होंने जो वादे किया था पिछली बार तो उस उन्होंने पूरा किया था, इस बार वो जो पूरे किए उस वजह से मिलेगा वोट। हो सकता है कि इस वजह से मिल सकता है वोट। आपको क्या लगता है अब क्या कैसा होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? अब होनी चाहिए जैसी मतलब अब आए, दोनों आते हैं, तीनों आते हैं, कांग्रेस बीजेपी सब आते हैं, लेकिन जो एक बार आ जाता है वो तो दोबारा आने को राजी नहीं होता है। कि मतलब एक बार देख लें क्या कॉलोनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे तो माहौल चल रहा है, क्या होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं गली नाला अभी निकला हुआ सारे, अभी 4.5 साल तो केजरीवाल वो करे थे, लेकिन 4.5 साल में अब नाले खुदवा कर सारे पूरी पूर्ति करवाएं। अच्छा, और ऊपर से लिख रहा के राखी उसको करने के लिए राखी बिरला कर रही है, सब कुछ कर रही है। अच्छा, दूसरा कौन कर रहा है? तो इसमें मतलब सर बीजेपी की भी थोड़े बहुत चांसेस है या अभी नहीं? हो सकता है, चांसेस भी हो सकता है। हाँ, मतलब लग रहा है बीजेपी के भी थोड़ा टक्कर दे सकती है। हो सकती है, मतलब बीजेपी या कांग्रेस 15 साल शासन में आपने देखा होगा कांग्रेस का, उन्होंने 15 साल काम किया था, तो 15 साल उनका और ये मतलब कि 5 साल बीजेपी इनका केजरीवाल का, और फिलहाल बीजेपी तो बहुत परे, तो तीनों में से क्या क्या साल 15 साल चौहान से थे, चौहान अच्छा काम करे, चौहान अच्छा काम करे थे उसको, अब उसके आगे जब ये आए तो उसके वजह से मतलब कर रहे हैं ठीक है जी। बताइए आप सर, क्या लगता है आप केजरीवाल से खुश हैं आप? मैं तो जब से केजरीवाल आए हैं तभी से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं ही खुश नहीं दिल्ली की पूरी ही औरतें सभी बहुत आपके ही आपके पूरे इलाके का क्या? हमारे पूरे इलाके की सभी औरतें, छोटे बच्चे भी, जेंट्स भी, लेडीज भी, सभी केजरीवाल के कामों से बहुत ही ज्यादा खुश है। मैंने वैसे कई लोगों से और बातें किया, उन्होंने बोला जो जो ज्यादातर पुरुष होते हैं वो ये बोलते हैं महिलाएं वोट करती हैं तो महिलाओं को ये फ्री कर रखे हैं, पुरुषों को क्यों नहीं किए हैं, क्या ऐसा भी है क्या जिसे महिलाएं जो है वो पुरुषों को सुनती हैं? अगर पुरुष कहेंगे कि वोट नहीं करना तो महिलाएं वोट नहीं करेंगी इनको? अगर मान लो पुरुष ये कहेगा कि नहीं हमारे लिए फ्री नहीं किए हैं, आपको बीजेपी को वोट करना है या कि कांग्रेस को वोट करना है, केजरीवाल को वोट नहीं करना, आप तो जो महिलाएं हैं उन वो क्या मतलब क्या लगेगा उनको? नहीं सुनेंगे हम, जेंट्स लोगों की नहीं सुनेंगे, क्यों? हमारे वोट पर हमारा अपना खुद का अधिकार है, और ये तो उन्होंने भी बोला है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी फ्री ही करेंगे वो किराया। तो सभी केजरीवाल से काफ़ी खुश हैं और हम सोच रहे हैं कि अब की बार फिर से ही केजरीवाल आ जाएं।